राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में दूध के खिलाफ जिले भर में कई बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसके तहत रविवार देर रात विजिलेंस टीम के साथ मिलकर सरस डेयरी अलवर चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने तकरीबन एक दर्जन सरस बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर से खास बातचीत की। सरकार ने स्वरोजगार योजना के तहत अलवर शहर में तकरीबन 300 सरस के बूथ दिए और उसमें जिम्मेदारी दी कि बूथ से जो सरस डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो बेचे जाएं और रियायत के तौर पर जब नए चेयरमैन बने ना तो इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो सरस बूथ से बेची जा सकती हैं उसके लिए भी छूट दी गई। लेकिन उसके बावजूद जब आज यहाँ पर सरस डेयरी का औचित निरीक्षण किया गया तो बहुत सारी खामियाँ मिली। हमारे साथ सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर हैं, इनसे जानते हैं कि क्या परिणाम निकला, क्या रहा निरीक्षण के बाद। परिणाम तो अब आपके सामने है, आप भी देख ही रहे हो कि हमने लगभग 10 से 12 बूथ चेक किए हैं, जिनमें दो 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 तीन बूथ हैं जो वास्तव में ठीक से मिले, बाकी सब पे कहीं दारू की बोतलें मिल रही हैं, कहीं अमूल का दूध मिल रहा है, कहीं दूध ही नहीं है। ऐसे हमारे अधिकारियों पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जी, अहम बात है कि शराब की बोतलें मिलना, स्वास्थ्य के लिए दूध की जरूरत है, लोग शराब बेच रहे हैं। अब वो तो बेचने वाले के ऊपर वो रहता है कि भाई उसको यहाँ उसको दिए दूध बेचने के लिए और बेच सराफ रहा है। ये भी अहम बात है कि अलॉटी जिसको आपने अलॉट करा उसकी बजाय किराए पे दे दिए गए, बहुत सारे लोग किराया वसूल रहे हैं। देखो समर जी, हमने जो भी बूथ चेक किए हैं, जहाँ जो दिक्कतें मिली हैं उनको हम दो तीन दिन में टीम तैयार कर रखी है, हमने पूरी टीम साथ है मेरे, पूरी टीम विजिलेंस टीम ने तैयार करके अभी नोट शीट चला के जिन लोगों के खिलाफ हमें जो जो कार्रवाई करनी है वो 100% कर देंगे दो तीन दिनों में ही, और इनको जैसा भी जो होगा, जो हमारे डेयरी के रूल्स होंगे उनके मुताबिक उनको सस्पेंड करना है या उनको एक बार पेनल्टी लगा कर छोड़ना है या जो भी हमारी संस्था की जो नियम होंगे, कानून कायदे होंगे, उनको फॉलो करके तुरंत उनको दंडित किया जाएगा। और ऐसे लोगों को मैंने तो अभी देखा है कि दिया तले अंधेरा वाली बात है कि पूरे शहर में, हम जिले में मैं इधर से उधर भागता घूमता हूँ, मैं शहर में ही मेरे आज जो सही मैंने मेरी टीम लेके मैं आया तो मुझे लगा कि मेरी सरस के लोग, अगर आम आदमी को इतना बिलीव हो रहा है जो हम काम कर रहे हैं कि हम सरस का दूध पिए, हमारे आधे से बूथों पर तो हमें दूध ही नहीं मिला। मतलब आप मिलावट रोकने पे लगे पड़े हैं और ये लोग दूसरी मिलावट, ये दूसरा दूध बेचने पे लगे पड़े हैं, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अहम बात ये भी है कि 10 में से आपको कोई ऐसा भी बूथ मिला जहाँ पूरी तरह सरस की नियमों की पालना हो रही हो, लगा आपको कि चलो ये तो प्रयास सक्सेस रहा, एक भी अभी ये सैनी जी मिले, इन्होंने कहा, मैंने पूछा कि अमूल का दूध मिलेगा, तो सैनी जी ने कहा आपको दिख नहीं रहा कि चारों तरफ सरस ही सरस है, यहाँ सरस मिलेगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन हर आदमी में कुछ न कुछ खामियां कमियां रहती हैं, वो सुधार लेंगे। चलिए, ये भी अहम बात है कि एकाध तो इन्हें मिले जहां पर इन्होंने कहा कि लोगों ने बूथ के संचालकों ने कहा कि सरस का बूथ है तो सरस ही मिलेगा, ये भी सकारात्मक पहलू है, लेकिन ये भी सुधार का प्रयास रहेगा कि हालात जो और नौ के बिगड़े हुए हैं उनको भी सुधारा जाए, क्योंकि नौ की संख्या भी शुभ होती है। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।